हिमाचल प्रदेश कांग्रेस महासचिव एवं बिलासपुर सदर रिस्क क्षेत्र से पूर्व विधायक बब्बर ठाकुर ने कहा कि एक ओर भाजपा परिवारवाद की भावना से संगठन को दूर रखने का राग अलाप रही है, तो दूसरी ओर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा अपने बेटे के माध्यम से विभिन्न गतिविधियां आयोजित करवाई जा रही है ताकि आने वाले समय में उसे राजनैतिक रूप से स्थापित किया जा सके। इसी के चलते इन दिनों सदर चुनाव क्षेत्र में अपने बेटे के माध्यम से 400 सपोर्टर्स कीटे बंटवाई जा रही है। उन्होंने जेपी नड्डा द्वारा कोरोना काल में बांटी गई लाखों रुपए की कीटों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने जेपी नड्डा से कोरोना काल में बांटी गई कीटों पर खर्च की लाखों रुपयों की धनराशि व 400 सपोर्टर्स कीटे पर खर्च की जा रही राशि पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। वह यहाँ पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। पूर्व विधायक बब्बर ठाकुर ने कहा कि सर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बार बार कहते हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, उन्होंने लगातार 2 महीनों से, पहले वो स्वयं यहाँ पे बूथ पे आए और पूरा दिन बिलासपुर को दिया सदर को, अब अपने शहजादे पुत्र को यहाँ पर बूथ पे जाने के आदेश किए हैं। उनके पास जो है बिलासपुर सदर की कमान संभाल दी है और वो धन लेकर के आ रहे हैं, तथाकथित धन, वो काला धन है, स्वैध धन है, उस पर वो पत्र जारी करें, अपना स्वैध पत्र जारी करें कि वो जो किटें बांट रहे हैं 400 किटें हैं वो कहाँ से आ रही हैं। और कोरोना के समय में भी उन्होंने बयान दिया था कि हमने 75 लाख रुपए की किटें दी, वो आम जनता तक तो नहीं पहुँची, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बूथ प्रधानों को उन्होंने दी, वो 75 लाख रुपये कहाँ से आया था। और आज जो ये किटें बांट रहे हैं यूथ को, उनको अपनी तरफ को झांसा देकर के, लुहावना झांसे देकर के अपनी तरफ को आकर्षित करना चाह रहे हैं, वो किटें कहाँ से आ रही हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, उसका श्वेत पत्र जारी करें। और रोजगार मेले के ऊपर भी जो चेतना संस्था ने पैसा इकट्ठा किया, इन फैक्ट्रियों से पैसा इकट्ठा किया, रोजगार मेला किया, वो पैसा कहाँ से आया, उसका श्वेत पत्र जारी करें। तो ये परिवारवाद की जहाँ तक बार बार बात करते हैं, स्वयं परिवारवाद का काम कर रहे हैं, अपने पुत्र को कमान संभाली है, पूरा परिवार राजनीति के अंदर डाल दिया हुआ है और दूसरे लोगों को कहते हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। तो इसके ऊपर उनको वक्तव्य जारी करना चाहिए कि कोरोना समय में प्रदेश अध्यक्ष ने, राजीव बिंदल ने 8 रुपए का मास्क 80 रुपए में बेचा, सैनिटाइजर जो है वो उस पर घोटाला हुआ, पीपी किट में घोटाला हुआ, उस पर क्या एक्शन हुआ, ये भी वक्तव्य जो है शहजादा साहब से जो है हिमाचल प्रदेश की और बिलासपुर की जनता जानना चाहती है।